गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9 नवंबर और दिन है आज बुधवार। तो बुधवार का व्लॉग है ये, और दक्ष के स्कूल का टाइम हो गया है। दक्ष को मैंने उठा दिया है और आज ना आलू के पराठे बनाने हैं, तो इसलिए ये मैं आलू रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए। और उसके बाद फिर दक्ष के लिए आलू के पराठे बना देंगे और थोड़ी कचौड़ियाँ भी बन जाएंगी। तो ये देखिए आलू बॉयल हो गए हैं, और इधर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए दक्ष के लिए, क्योंकि सुबह उसको चाय दे देते हैं, इस समय अदरक वाली ठंड होने लगी है। और इधर अब मैं सेक ले रही हूँ पराठे। बच्चों को ना, दोनों ही बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद है। डेली चेंज कर करके देती हूँ, कभी आलू की सब्जी पराठा, कभी कोई और सब्जी पराठा दे देती हूँ। और सैटरडे को दक्ष के वहाँ कुछ भी ला सकते हैं, पास्ता, मैक्रोनी, पोहा, मतलब कुछ भी ला सकते हैं सैटरडे को सिर्फ अलाव। और उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे सिर्फ और सिर्फ घर का खाना आना चाहिए, पराठा सब्जी वगैरह। दोनों बच्चों की टाइमिंग अलग है, लेकिन जब मैं दक्ष का टिफिन तैयार करती हूँ ना, उसी समय मैं सानू का भी टिफिन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि दक्ष के जाते ही फिर सानू का टाइम होने लगता है। लगभग 45 मिनट का अंतर रहता है दोनों में, तो सानू को जगाना, तैयार करना, सब उसी बीच मुझे करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं टिफिन पहले ही तैयार कर लेती हूँ दोनों को। तो ये देखिए जितने पराठे मुझे बनाने थे टिफिन के लिए, वो सब मैंने बना लिए हैं, और अब मैं पैक कर रही हूँ दक्षिण टिफिन। तो टिफिन में मैंने सॉस रख दिया है, एक चिली सॉस और एक टोमेटो सॉस का पैकेट रख दिया है, क्योंकि टिफिन में ना ये पैकेट रखना ज्यादा आसान रहता है। और सानू के टिफिन में मेयोनीज रख देती हूँ, क्योंकि सानू को मेयोनीज पसंद है। तो दक्ष के बैग में मैंने टिफिन रख दिया, और आपको दो टिफिन दिख रहे होंगे, क्योंकि एक रेड वाले में मैंने आलू के पराठे और सॉस रख दिया है, और ब्लू टिफिन में एप्पल रख दिया है, क्योंकि जीरो पीरियड होता है, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें लोग फ्रूट ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने एप्पल दिया है। और अब दक्ष तैयार हो गया है, तो जा रहा है स्कूल। और जितना वेट बच्चों का नहीं होता, उससे ज्यादा वेट तो उनके बैग का होता है। देखिए 3 मंजिल चढ़ के जाना पड़ता है दक्ष को स्कूल, पता नहीं कैसे चढ़ के जाता होगा। घर में तो एक ही फ्लोर उतरना रहता है, तो मैं नीचे लेके आती हूँ बैग, लेकिन स्कूल में कैसे चढ़ता होगा बैग लेके, इतना भारी बैग लेके, पता नहीं। तो अब दक्ष चला गया है, अब सानू की बारी है। बाय बाय बाय। अभी मैं आई थी दक्ष को लेने स्कूल। क्यों दक्ष? हाँ। बहुत दिनों बाद आज मैं आई हूँ दक्ष को लेने। तो दक्ष को मैं स्कूल से ले आई थी, तो अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। तो कोफ्ते की तैयारी हो रही है, उसके लिए जो भी मसाला है मैंने तैयार कर लिया है लौकी को घिस के, और उसकी अब बॉल बना के मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। और मैंने लौकी को घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था, उसमें मैंने बेसन डाला है और बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्चा और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक, बस इतनी चीज़ें मैंने डाली हैं। उसके बाद इसको मिक्स करके अब इसके गोल गोल कोफ्ते मैं बना ले रही हूँ। और इतने कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं ना बना के, और थोड़ा सा मैं और स्पेस कर रही हूँ कि एक दो कोफ्ते और भी इसी में ऐड हो जाएं। वो 2 बार में ही निकल है, और ना मुझे 3 बार में निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी और स्पेस चाहिए थी, तो मैंने स्पेस कर दी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय रात का डिनर बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए डिनर में आज बन रहा है लौकी के कोफ्ते, थोड़े से बन गए हैं और ये लास्ट है, थोड़ा सा बाकी बनाना। और साथ ही साथ इधर पकौड़ी की तैयारी हुई है। दक्ष से मैंने बोला कोफ्ते खाने के लिए, तो कह रहा कोफ्ते नहीं खाने हैं, पकौड़ी खानी है। तो इधर ये प्याज काट लिया है, इसमें सारे मसाले मिला लिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हरा धनिया। और ये देखिए जब लौकी मैंने कसी थी ना, तो उसमें उसको निचोड़ा था, तो जो लौकी का पानी निकला है वो भी मैंने रख लिया है, ग्रेवी बनाते समय ये पानी उसमें डाल देंगे। तो ये कोफ्ते तैयार हो गए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो कोफ्ते सारे बन गए हैं, अब जा रहे इसी में पकौड़ी बना लेंगे, उसके बाद सब्जी छौकेंगे। अभी मसाले की तैयारी नहीं की है, जब तक इधर पकौड़ी तैयार होगी तब तक उतनी देर में मसाले भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए उधर कोफ्ते तैयार हो गए थे, फिर इधर मैं पकौड़ी की तैयारी करने लगी थी। और इसमें पानी में ना जो लौकी का पानी मैंने निकाला था, वही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने सादा पानी नहीं लिया है। मैंने कहा लौकी का पानी जो है वो थोड़ा बच्चों को फायदा भी करेगा, इसलिए मैंने लौकी का पानी इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए पकौड़ी भी बना ले रही हूँ मैं जल्दी से,
और एक साइड में पकौड़ी बन रही है, दूसरी साइड में ये आटा भी लगा के रख दे रही हूँ। पकौड़ी बनती जाएगी उतनी देर में ये आटा भी मैं लगा ले रही हूँ। तो इधर जितनी देर में पकौड़ी बनेंगी ना, उतनी देर में मैं इधर आटा भी लगा के रख दूंगी। ये देखिए कोफ्ते रखे हैं, पकौड़ी बन रही है और इधर ये मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। एक साथ सारे काम चल रहे हैं और बस किचन में घुसने की देरी रहती है। किचन में जब एंट्री करो ना, तो एक के बाद एक काम होते ही रहते हैं। यही होता है कि सारे काम निपटा के तभी से किचन से बाहर निकले। तो इधर मैंने आटा भी लगा दिया है और पकौड़ी तैयार हो गई है। तो अब मैं बच्चों को पकौड़ियाँ भी दे रही हूँ खाने के लिए। और पकौड़ी के साथ मैंने ये हरी वाली चटनी दे दी है। ज़्यादा कड़वी नहीं मैंने बनाई थी इसलिए मैंने दे दी है, वरना बच्चों को ये हरी चटनी नहीं देते धनिया वाली। तो पकौड़ी वगैरह बच्चों को दे दी है खाने के लिए। अब मैं इधर मसाले का इंतजाम कर ले रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने 2 प्याज 2 टमाटर 8-10 कलियां लहसुन की 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। सारे मसालों को ना मैं एक साथ पीस लूंगी, उसके बाद मैं सब्जी छौंक दूंगी। तो इधर मैंने मसाला सारा काट लिया है, अब मैं जा रही हूँ उसको पीस लूंगी। मसाला तैयार हो गया है। इधर एक साइड मैंने ना चावल भी रख दिया है पकने के लिए। तो चावल भी होने वाला है बस थोड़ी देर में। तो मसाला मैंने पीस लिया, पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर ले रही हूँ जो भी सामान है मसाले वगैरह, उसके बाद फिर मैं सब्जी छौंक दूंगी। तो तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल दे रही हूँ। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा रतन जोत मैंने डाला है कलर के लिए। और रतन जोत डालने से ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रतन जोत भी डाल दिया है। और 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है। बस ये खड़े मसाले मैंने डाल दिए। ये खड़े मसाले थोड़े भून जाएंगे, उसके बाद ये जो मैंने मसाला पीसा है ना वो मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैंने तेल में ही हल्दी डाल दी है, क्योंकि कभी बाद में हल्दी डालते हैं, कभी पहले ही हल्दी डाल देते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैंने ना आज तेल में ही हल्दी डाल दी है कलर के लिए। सारे मसाले भुन गए हैं अच्छे से। अब इसमें मैंने जो मसाला पीस के रखा है वो डाल दिया है और इसको भी एक तेल छोड़ने तक पका लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, जब इसमें तेल छोड़ने लगेगा मसाला, तब तक इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मसाला भुन गया है, बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है सारा, इसमें तेल अलग हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। हल्दी पहले मैंने डाल दिया था इसलिए अभी नहीं डालेंगे। इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बस यही थोड़े से मसाले डाले हैं। अब इसको मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, फिर उसके बाद ये कोफ्ते ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं ये कोफ्ते डाल दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो मैंने लौकी का पानी रखा था अलग ग्रेवी के लिए, उसको इसमें डाल देंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक डालना बाकी है अभी। थोड़ा 1-2 मिनट तो कोफ्तों के साथ भी भून लेंगे मसाले को। ये देखिए 2 मिनट इसको कोफ्तों को भून लिया है मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें जो मैंने लौकी वाला पानी रखा है ना, उसको मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ग्रेवी अपने हिसाब से रखेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ग्रेवी अभी कम है क्योंकि कोफ्ते ना पानी सोख लेते हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको बॉयल होने तक पका लेंगे। जब अच्छे से बॉयल हो जाएगी, उबलने लगेगी सब्जी, फिर गैस बंद कर देंगे। तो सब्जी को मैं ढक दे रही हूँ, इसमें बॉयल आ जाएगा तब इसको बंद कर देंगे। और इधर चावल भी बन गया है और रोटी सेकना बाकी है। तो इधर एक तरफ सब्जी तैयार हो जाएगी, तब तक मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो ये देखिए सब्जी बन गई है, इसमें बॉयल भी आ गया है, सब्जी एकदम तैयार है। अभी गैस बंद कर दे रहे हो और इसमें धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं।
खाना सारा बन गया था, बस रोटियां सेकना बाकी थी, तो वो भी मैं सेक ले रही हूँ। उसके बाद बच्चों को और मम्मी को खाना भी दे दूंगी मैं साथ ही साथ में। सभी प्लेट मैंने निकाल के रख दी है, बस रोटी सेक के उसमें रखना बाकी है। तो बच्चों को और मम्मी को खाना मैंने दे दिया है। मम्मी खाना खा के नीचे चली गई है और बच्चे अंदर चले गए हैं कमरे में सोने के लिए। और हस्बैंड आ गए थे तो ये कुछ सब्जियां लेके आए हैं, तो वो मैं धुल के रख दे रही हूँ। धनिया, मिर्चा, मूली और यही सब लेके आए हैं, तो मैं सारी सब्जी को ना धुल के रख दूंगी ताकि इसका रात भर में इसका सारा पानी निकल जाए, और सुबह फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। सारी सब्जियों को जो मैं धुलती हूँ ना, तो भी जितनी खराब पत्तियाँ होती हैं तो जो भी अच्छे से मैं क्लीन करके ही फ्रिज में रखती हूँ ताकि दोबारा उसको क्लीन करने की जरूरत ना पड़े। और सब्जी वगैरह क्लीन करने के बाद बस हम लोग भी खाना खा के सो जाएंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ मैंने धुल के रख दी है, और सब्जी में आज है भिंडी, धनिया, मिर्चा, मूली, अदरक और एक नींबू है। सबको धनिया और मिर्चा फ्री में मिलता है, मेरे हस्बैंड नींबू फ्री में लेके आए हैं, क्योंकि धनिया मिर्चा उन्होंने ख़रीदा था तो इसलिए वो नींबू मांग के लाए हैं कि एक नींबू दो। और ये मूली के पत्ते मैंने अलग कर लिए, इसको अलग ऐसे ही लहसुन मिर्च डाल के छौंक देंगे। और आलू मंगाया था मैंने, तो आलू को मैं धुलते नहीं है, ऐसे ही रख दिया मैंने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।